हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवीडी ट्यूब क्लास में। तो स्टूडेंट, आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन क्लास नाइन्थ की मैथ की बुक से लिया गया है। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ताकि आपको सही से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमको चार पॉलिनोमियल दिए गए हैं, वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, उनके वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो जैसे हमारे पास पहला पॉलिनोमियल जो दिया गया है वो py इज इक्वल टू y² - y+1, यानी कि ये वाला है ना, py इज इक्वल टू y² - y+1। दूसरा जो दिया गया है वो 2+t + 2t² - 3। तीसरा जो दिया गया हमारे पास px = x³। और चौथा जो दिया गया है वो px = x - 1 x+1। ये चार पॉलिनोमियल दिए गए हैं। हर एक पॉलिनोमियल में हम एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे, एक बार ये वैल्यू, एक बार ये वैल्यू, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 3 आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। अब सबसे पहले हम पुट करेंगे यहाँ पर पुट। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, वेरिएबल वाई है, तो आपको y = 0 पुट करना है ना, वी है। तो जब हम y = 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, p0 = 0² - 0+1। तो आंसर में आपको कितना मिलेगा, 1। देखो 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा और माइनस 1 तो 0 0 0 ही आएगा, बचेगा क्या, +1। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, जब आप 0 पुट करोगे तो आपका आंसर +1 आने वाला है। अब अगर मान लो कि आपको 1 रखना है, क्या रखना है, 1। तो जब हम p1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा वो देख लीजिए। देखिए वाई स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 + 1, तो -1 से +1 खत्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, p1 = आपके पास बचेगा 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या पुट करनी है, p2 है ना, यानी कि जो वेरिएबल है वहाँ पे आपको 2 पुट करना है। तो अभी देखो यहाँ पर जब हम 2 पुट करेंगे p2, यहाँ पर जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 और +1। अभी देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 - 2 + 1। 4 + 1 करेंगे तो कितना होगा, 5, और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3। ठीक है, 5 - 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। तो यहाँ तक अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर हुआ है। ठीक है, यहाँ तक अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर हुआ है, और वो भी फर्स्ट का। इसी प्रकार से सेकंड का फाइंड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, क्या, pt। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो कितना है, t है, तो वेरिएबल जो है वो t है, तो यहाँ पर आ जाएगा pt, 2+t + 2t² - t³। अब यहाँ पर आपको t = पुट करना है, पुट t = 0। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा वो देख लीजिए, p0 = 2+0 t + 0+2 × 0² - 0³। तो देखिए जहाँ जहाँ 0 आया है इंटू में वो 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस करें या 0 माइनस करें, आंसर 0 मिलने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि p0 = 2। अभी हम p = 1 पुट कर लेते हैं, कितना, 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो 2+1 + 2t² मतलब 1² - 1³। तो अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 तो 2 ही आएगा और +1 ही आएगा, 2+1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 2 = 2, 1³ = 1। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2+2 कितना हो गया, 4, और +1 5, और 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि जब 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा +4। अभी 2 पुट करके देख लेते हैं, अभी कितना पुट करके देख लेते हैं, 2। ठीक है, तो जब 2 पुट करेंगे यहाँ से तो ये 2 हो जाएगा +t² + 2 × 2² - 2³। तो अभी देखो 2+2 कितना होगा, 4,
ये 2 + 2 = 4 प्लस 2 × इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 2 × 4 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो अभी देखो 2 × 4 जा कितना होगा 8, 8 + 4 कितना होगा 12, तो 12 - 8 12 - 8 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा P2 = देखो 12 - 8 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अभी दो पॉलीनोमियल के आंसर हुए हैं। जब इस पॉलीनोमियल में यानी कि P2 = 2 + t + 2t² - t³ में 0 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2, जब 1 पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 4, और जब 2 पुट करेंगे तो भी आंसर कितना मिलेगा 4। तो इतना आप राइट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हमारा फर्स्ट सेकंड हो चुका है, अब नंबर है थर्ड और फोर्थ का। ठीक है, अब किसका नंबर है, थर्ड और फोर्थ का नंबर है। तो जो हमारी थर्ड पॉलीनोमियल है वो कितनी है, Px = x³। अब देखो इस पॉलीनोमियल में केवल एक ही टर्म दिया गया है, वो भी एक्स क्यूब। तो जब हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, पुट x = 0, देन वी हैव, अच्छा कितना मिलेगा वो देख लेते हैं, P_0। अभी देखो जीरो का क्यूब कर लो और चाहे जितनी मन करे उतनी पावर कर लो, आंसर तो जीरो ही आने वाला है। आंसर कितना आने वाला है 0, तो इसका हो जाएगा 0। अब हमें देखना है, पुट करना है कितना, P_1 है ना, x के प्लेस पे 1 पुट करना है, और 1 का भी कितना भी क्यूब कर लो आंसर तो 1 ही आने वाला है ना। तो P_1 = 1। अभी p के प्लेस पे 2 पुट कर लीजिए, है ना, सॉरी x के प्लेस पे 2 पुट कर लीजिए, तो P_2 और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस बार आ जाएगा 8, है ना। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की। देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे ही वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन ये एक एलजेब्रिक आइडेंटिटी पे लग रहा है तो हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, देखो अगर a माइनस b है और a प्लस b है तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो अभी देखो ये किस आइडेंटिटी पे फॉलो हो रहा है, x - 1 x + 1, तो ये x हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी पर लगेगा बाय यूजिंग a + b (a - b) = a²-b² वी गेट क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा px = x²-1, है ना, ऐसे मिलेगा x²-1 का स्क्वायर। तो चाहे आप x²-1 का स्क्वायर करो और या फिर आप 1 को 1 ही रहने दो, पावर कितनी भी करो आंसर उतना ही आने वाला है। तो अभी देखो x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट x = 0 वी हैव। अब देखो जब हम x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे यानी कि P0 = 0² - 1, तो आंसर कितना मिलने वाला है P0 = -1। अभी इसको हटा देते हैं, अगली बार हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, अगली बार हमें x के प्लेस पे 1 पुट करना है, सो P1 = 1² - 1। अब देखो 1 - 1 = 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि P1 = 0। अभी कितना पुट करना है, अभी हमें 2 पुट करना है, तो 2² कितना, 2² - 1, कितना पुट करना है 2² - 1, तो 2² कितना होगा 4 और माइनस 1, यानी कि P2 पे हमारा आंसर कितना आएगा, P2 पे हमारा आंसर आएगा 3, कितना आएगा 3। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर राइट डाउन कर लें। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट करने थे, है ना, एक ही क्वेश्चन के 3 सोल्यूशन करने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।